करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में कलयुगी मां ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर अपने पुत्र को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का प्रयास किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए गलत सूचना प्रसारित की, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी और सीओ गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को सरवन उर्फ गोलू पुत्र विद्यांचल निषाद निवासी मिर्जापुर को षड्यंत्र के तहत उसकी माँ मौसा तथा प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा मिलकर उसकी प्रॉपर्टीज के लाभ से वंचित रखने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से तमंचा कारतूस में जेल भिजवाने का प्रयास करने, उसे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की एक अनोखी घटना प्रकाश में आई थी। पुलिस द्वारा घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर सभी से पूछताछ करने पर पूरा प्रकरण स्पष्ट हो गया और सरवन कुमार उर्फ गोलू निर्दोष पाया गया तथा षड्यंत्र में शामिल दोषी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त में देशराज पांडे पुत्र सूर्यनाथ पांडे निवासी शताब्दीपुरम फातिमा थाना शाहपुर, जितेंद्र पाठक पुत्र स्वर्गीय मदन पाठक निवासी पेज 4 राप्ती नगर, जनार्दन प्रसाद पुत्र राम सूरत निवासी जंगल धूसर हसनगंज थाना पिपराइज, सुमित्रा देवी पत्नी विद्यांचल निषाद निवासी मिर्जापुर थाना चिलवाताल शामिल है, जबकि विश्वजीत पुत्र अज्ञात और शिवम शुक्ला पुत्र अज्ञात फरार है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 315 बोर, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। आईफोन किसी का चुका है वो नौकरी करते शाहपुर थाना क्षेत्र में जमीन के कारोबारियों का एक षड्यंत्र गोरख धंधा प्रकाश में आया है। जमीन के कारोबारी और जिसके नाम जमीन थी, महिला को अपने साथ मिला के षड्यंत्र करके उसके लड़के को तमंचा प्लान करके जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे थे और इस पूरे घटनाक्रम में माँ ने अपने बेटे को भी विश्वास में ले लिया था और ज़मीन के कारोबारियों ने विश्वास में ले लिया था कि आप कुछ दिन के लिए जेल चले जाओगे तो जो आपके ऊपर पैसे का मतलब उधारी है वह पैसा मांगने वाले कुछ दिन के लिए शांत हो जाएंगे। यह घटनाक्रम का एक पहलू था, बेटे को माँ ने और कारोबारियों ने विश्वास में लिया। दूसरी तरफ कारोबारियों ने और माँ ने मिलकर षड्यंत्र किया कि इसको तमंचा प्लांट करके जेल भिजवा दिया जाएगा तो यह महीना भर जेल में रहेगा, इसके बाद ज़मीन जो है माँ ज़मीन के कारोबारियों को बेच देती। तो इस तरह से एक दुर्भिशन थी इसमें, जिसके ऊपर तमंचा प्लांट किया गया है उसको विश्वास में लिया गया और तमंचा प्लांट करने वाले और उसकी माँ, उनका षड्यंत्र यह था कि जेल भेज दिया जाएगा। जेल रहने की अवधि के दौरान ज़मीन के कारोबारी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो बैनामा करवा लेंगे और लड़का विरोध नहीं कर पाएगा। और पूरे मामले में रोचक तथ्य है कि ज़मीन का जो मामला था, ज़मीन इसके माँ के नाम से है, इसका नाम है गोलूर श्रवण, यह ज़मीन अपने माँ के नाम की ज़मीन किसी और को बेचना चाहता था और माँ षड्यंत्र करके किसी और के साथ ज़मीन बेचना चाहती थी, पूरा मामला यह था। और इन लोगों ने, ज़मीन कारोबारियों ने षड्यंत्र करके इसकी माँ को मिला के इस पर तमंचा प्लांट करवाया और पुलिस को सूचना दिलवाई गई थी। जब पुलिस ने सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल के बाद सारी परत दर परत खुलती चली गई और इस षड्यंत्र का पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिसमें प्रभारी थाना शाहपुर और इंस्पेक्टर सीओ गोरखनाथ का योगदान है। कुल लगभग 36 डिसमिल जमीन थी, जिसमें इसकी माँ का हिस्सा 12 डिसमिल था, 12 डिसमिल इसके जो माँ के मतलब जीजा का हिस्सा था वह भी इन्हीं शर्त में शामिल था। कुल जमीन की मतलब 1.5 करोड़ थी और उसमें कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अभी जांच की जा रही है, परत दर परत इसकी खुलती जाएगी। बात भी हो गई थी जो कि जी सारदन केवट का, एक जनार्दन है, एक अब सारदन है, सबकी डीलिंग हो चुका हूँ।